ऑबजेक्ट नीशन के लिए जब हमने डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर की बात की तो अभी हमने ये देखा था कि डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट फेजेज़ हैं डिफरेंट कंसेप्ट हैं जिनमें अभी हमने सिर्फ कन्वोल्यूशन को देखा था अब हम बड़ी क्विकली इस मॉड्यूल में बाकी कन्सेप्ट को देखेंगे और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मकसद सिर्फ बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में उनको एक्सप्लेन करना है इनकी डिटेल हम कमिंग मॉड्यूल्स के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे और फिर इनके अंदर इन डेप्थ हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है क्या बैकग्राउंड है क्या डिटेल्स हैं इनका कंपेटिटिव क्या है फॉर द टाइमिंग सिर्फ हमारा मकसद है कि सिंपल लफ्जों में टच करना कि कौन कौन से कोर कन्सेप्ट हैं जब हमने कन्वोल्यूशन नेटवर्क को यूज़ करना है फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कंडीशन प्रॉब्लम अभी हमने जो स्टार्ट किया था जो आइडिया uh, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे वो था कन्वोल्यूशन और कन्वोल्यूशन में हम ये देख रहे थे कि हमारे पास एक इमेज है और एक हमारे पास फिल्टर है ये इमेज है लट से मैं आई कहता हूँ ये फ़िल्टर ऐप हमने क्या कि इस फिल्टर को उठाया और इस फिल्टर को यहाँ पे हमने रख दिया फिर हमने इसको मूव किया नेक्स्ट 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 करते रहे और हमने रिजल्ट देख लिया अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फ़िल्टर है इसके अंदर हमेशा फुली इन्वॉल्व होगा फुली इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसे मुराद मैं ले रहा हूँ लट से कि जी मेरे पास मैं इसको और आसान कर लेता हूँ मेरे पास लट से एक इमेज है इस तरह का और मेरे पास एक फिल्टर है थ्री बाय थ्री का मैं चाहता हूं कि जो सेंटर वैल्यू है ये इसके यहां पे स्टार्टिंग पे आए लेट्स से अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूं लेट्स से ये इस तरह का बना हमारे पास सॉरी ये वाली लाइन ही होगी ये ऊपर वाला बना अब क्वेश्चन ये कि यहां पे जो ये चीज है ये तो यार इमेज के बाहर का हिस्सा है इसका क्या किया जाए इस हिस्से को क्या किया जाए अब काफी सारी ऑप्शन है एक तो यह है कि यार ये जो बाहर वाला हिस्सा है जिन जगहों पे ये इसको हम यूज़ ही ना करें हम डिस्कार्ड कर दें इसको ऑपरेशन के अंदर यूज़ ही ना करें अगर हम इस तरह करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस होगी इमेज का कुछ हिस्सा ज़या हो जाएगा दूसरा ये कि इस सारे को ना हम जीरो 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 कर दें या वन 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 कर दें इसे कहते हैं पैडिंग इसे क्या कहते हैं पैडिंग कि हम क्या करते हैं कि जो आउटर हिस्सा है जो इमेज का जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और फिल्टर का कुछ हिस्सा बाहर है और इमेज के वो हिस्से मैच नहीं कर रहे हैं तो जो हिस्से बचते हैं उनमें या ज़ीरो डाल देते हैं या वन डाल देते हैं इसे कहते हैं पैडिंग जीरो पैडिंग या वन पैडिंग एक तरीका होता है उसे कहते हैं रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो बॉर्डर पे पिक्सल वैल्यूज हैं इनकी जो वैल्यू एलेट से है, यहां पे टू 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 थ्री फोर फाइव है तो यहां भी फाइव हो जाएगा फोर हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन तो ये हो तो होती है पैडिंग सॉरी रेप्लीकेशन ये भी एक तरीका हो सकता है तो इसके मल्टीपल तरीके हैं तीन तरीके हमने अभी बोले रेप्लीकेशन हो सकती है डिस्कार्ड किया जा सकता है या हमारे पास पैडिंग हो सकती है मोस्टली जो होती है जिसमें वन या जीरो हम वैल्यूज डाल देते हैं दूसरा हमारे पास था पुलिंग का पुलिंग हमारे पास क्या करता है यहां पे यह बताया गया है कि पुलिंग सेक्शन वुड रिड्यूस द साइज ऑफ द एक्टिवेशन मैप बट रिटेन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच रिजल्ट इन फास्ट कम्पटिशन पुलिंग इज ऑल्सो काट डाउन सैम्पलिंग अब इससे मुराद क्या है अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई आफ्टर कन्वोल्यूशन लेट से नौ आठ नौ बारह आठ और सोलह अब क्या है कि क्या ये जरूरी है कि अब सारे के सारे वैल्यूज को अंटेन रखें अपने पास आंसर नो क्यों क्योंकि इमेज की अगर हम बात करें तो इसमें पिक्सल साइज जो एट है वो काफ़ी छोटा होता है जैसे अगर मेरे पास ये अभी टैब मौजूद है अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूं तो मे बी इसकी स्क्रीन जो होगी वो 1400 हंड्रेड इंटू सिक्सटीन समथिंग होगी यानी कि 1400 सौ रोज़ और 1600 सौ कॉलम्स जो उसका मतलब इतने ज़्यादा इसके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे डॉट किस तरह की पिक्सल होंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पिक्स सारी वैल्यूज़ के बजाय सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को पिक कर लें तब भी हमारा काम चल जाएगा अच्छा अब ये जो अगर हमने वैल्यूज़ रखनी है तो ये सारी जो है ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्पेशल पुलिंग पुलिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करना स्पेशल का मतलब होता है जो स्पेस के लिहाज से लोकेशन के लिहाज से यहाँ पे तीन तरह की पुलिंग बताई गई है मैक्स पुलिंग एवरेज पुलिंग और सम पुलिंग मैक्स का मतलब ये कि इन चारों में से किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना वो है मैक्सिमम सोलह एवरेज का मतलब ये कि इन सारों का हम एवेज ले लें सम का मतलब इन सबको सम कर दें एवरेज का मतलब क्या है कि सम करें और डिवाइड बाय चार कर दें फोर कर दें और सम का मतलब है सिंपल सम कर दें तो ये है हमारे पास पोलिंग का कंसेप्ट इसी चीज़ को हमने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है कि हम करेंगे क्या ये हमारे पास लेट से फीचर मैप बना था इसके हमने क्या किया कि ये चार का ये बॉक्स है इस चार में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया सिक्स मैक्सिमम है फिर ये बॉक्स लिया इनमें मैक्सिमम एट है ये बॉक्स लिया इनमें मैक्सिमम थ्री है ये बॉक्स लिया इसमें मैक्सिमम फोर है तो मैक्सिमम पुलिंग टेक्स द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रेक्टिफाइड फीचर मैप टेकिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट कुड ऑल्सो टेक द एवरेज पुलिंग सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फीचर मैप इस कॉल सम पुलिंग जैसे मैंने भी बताया कि सम पुलिंग हो सकती है एवरेज हो सकती है और हम यहाँ पे मैक्सिमम पुलिंग कर रहे हैं फ्लैटरिंग कंसेप्ट हमने देखा था फ्लैटरिंग हमारे पास क्या था क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आने हैं ना यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि रिज़ल्ट हैं वो इस तरह के हैं कि यहाँ पे कैट है डॉग है फ्लावर है एंड सोन so जो हमारे पास आउटपुट आनी है लेकिन जो हमारे पास प्रोसेसिंग चल रही है वो सारी इस फॉर्म में चाह रही है ये जैसे रोज के लिहाज से तो ज़रूरी है कि इसको कन्वर्ट किया जाए इस फॉर्म में लाने के लिए इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे फ्लैटनिंग कहते हैं बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कोई मसला नहीं है आपके पास ये मेट्रिक्स है आपने क्या करना है इसको एज इट इज लिखना है जैसे क्या करना है ये वन वन जीरो वन वन जीरो कर दिया पहली रो को फिर फोर टू वन कर देना दूसरी रो को फिर तीसरी को जीरो टू वन तो इसी तरतीब से यहां पे इसको दिखाया भी है तो बिफोर पासिंग द वैल्यूज टू द फुली कनेक्टेड लेयर फीचर मैप इज दिस फीचर मैप मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड टू अ लॉन्ग वैक्टर तो जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसको अपने तरतीब से फीचर वैक्टर में कन्वर्ट कर देना सिंपल आइडिया अब फुली कनेक्टेड का क्या द लेयर इज कॉल्ड फुली कनेक्टेड लेयर वी डू वट वी डू वी आवर मैट्रिक्स यूजिंग फ्लैटन लेयर इंटू वैक्टर जैसे अभी हमने कहा था वैक्टर ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स फोर इन द बिलो इमेज अभी ये मैं भी अभी करके भी दिखाता हूँ एंड फिर इंटू फुली कनेक्टेड लेयर लाइक न्यूरल नेटवर्क ये देखें ये जो है ना बेसिकली ये वो चीजें जो हमारे पास आई थी फीचर मैप्स के लिहाज से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर अब हम क्या करें इनको कन्वर्ट करें इसी तरह फीचर वैक्टर्स के अंदर और ये हमारे पास वैक्टर्स हैं और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं इसलिए इसे फुली कनेक्टेड लेयर कहते हैं कि जितने हमारे पास वैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और यहां पर ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो हमारे पास

यहाँ से आप देख सकते हो ये इनपुट लेयर्स हैं ये आउटपुट लेयर्स हैं और ये दरमियान में हिडन लेयर लगी हुई हैं और फिर अगेन आइडिया वही है कि जो हर न्यूरॉन है एवरी न्यूरॉन इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन इन द नेक्स्ट लेयर लाइक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड फोर कनेक्टेड फोर न्यूरॉन्स शोन इन ब्लू तो ये हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर के अगले एक कनेक्टेड एंड सो तो ये सिंपल सा हमारे पास आइडिया है कि ये फुली कनेक्टेड लेयर का ये मतलब होगा अच्छा जी उसके बाद था आउटपुट लेयर जो थी हमारे पास हम आउटपुट लेयर के ऊपर क्या करते हैं जो हमारे पास ये जो है ना ये आउटपुट लेयर जो है इसको आप ये याद रखें ये स्कोर हैं यानी कि जो आपने न्यूरो नेटवर्क बनाया जो फुली कनेक्टेड लेयर्स की मदद से न्यूरो नेटवर्क बनाया उसने जो आपको रिजल्ट दिए वो स्कोर्स होंगे स्कोर से मुरादे वैल्यूज़ होंगे जैसे यहाँ पे हमने दिखाया वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट नाइन और जीरो पॉइंट फोर इन स्कोर्स को प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज में प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है दो चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जीरो सेवन में रखना वो तो है ही है प्रॉपर प्रोबलिटी का मतलब क्या है कि जिन स्कोर्स की वैल्यू यहाँ पे आई है उनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जिनके स्कोर्स की वैल्यू यहाँ पे लो है उनकी प्रोबेबिलिटी लो हो तो सॉफ्टवेयर फंक्शन यही हमें करके देता है यहाँ पे बताया भी यही है फाइनल जो कंसेप्ट है वो है लॉस फंक्शन का कि अब ये लॉस फंक्शन क्या है जैसे अभी हम यहाँ से पहुंचे हमारे पे इनपुट थी हिडन लेयर्स आ गई उसके बाद आउटपुट आ गई अब लॉस फंक्शन कहां से बीच में आ गया लॉस फंक्शन बेसिकली है लॉस फंक्शन मई डिफरेंस बिटवीन क्लास क्लास एंड एक्चुअल ऑफ द इनपुट इमेज यानी कि अभी हमने जो प्रोबेबिलिटीज देखी जिसके अंदर हमने पहले हमने स्कोर्स निकाले थे स्कोर्स के बाद हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली थी जिनको मैं प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज कह रहा था अब ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज वो हैं जो हमारे ना सिस्टम ने प्रडिक्ट किए हमारे एल्गोरिथम ने प्रडिक्ट किए तो बेसिकली ये है प्रडिक्टिड और एक हमारे पास है एक्चुअल जो ग्राउंड प्रूथ है जो ह्यूमन ने उसके साथ लेबल के साथ लगाया कि यार ये जो है ना चेहरा है या ये फ्लावर है या ये कैट है या डॉग है वो है एक्चुअल लॉस होता है एक्चुअल में से प्रेडिक्ट को माइनस करना तो बिट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड क्लास एंड द एक्चुअल क्लास ऑफ द इनपुट इमेज अब मकसद हमारे पास क्या होता है एम ऑफ ट्रेनिंग लॉस इज मिनिमम दिस मीन्स इफ प्रेडिक्टेड क्लास इज एज मच क्लोज टू द एक्चुअल लॉस एक्चुअल क्लास लॉस विल बी मिनिमम अब अगेन लॉस को कैलकुलेट करने के काफी सारे फार्मूले हैं फंक्शन हैं कौन कौन से हैं मींस केयर एरर है क्रॉस एंट्रोपी है अमूमी तौर पर एंट्रोपी यूज़ किया जाता है अब इनके क्या फार्मूलाज हैं ये जब हम लॉस को डिटेल में देखेंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे अभी मकसद इसका एग्जाम्पल देना ही है चलेजाम्पल के थ्रू अब हम इसको देखते हैं कि इसमें डिस्कशन क्या class, uh, है लेट से देर इज अ क्लास थ्री क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कैट डॉग और काओ कंप्यूटेड वैल्यू शुड बी मैक्सिमम एट सेम इंडेक्स और ग्राउंड ट्रुथ ठीक है इन रो वन यहाँ पे अब हमने ना एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाई है ऐसे कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है एक तरफ आप कंप्यूटेड डाल देते हैं एक तरफ आप ग्राउंड ट्रूथ डाल देते हैं कंप्यूटेड का मतलब ये जो सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया प्रेडिक्टेड भी इसे कह सकते हैं ग्राउंड ट्रूथ है जो इंसान ने कहा है हाँ या ना अब आप हमेशा देख सकते हैं ग्राउंड ट्रूथ हमेशा या तो जीरो होगा या वन होगा ऑन द अट कंप्यूटेड जो है वो जीरो और वन के दरमिया होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है अब कंप्यूटेड में अगर हम बात करें यहाँ पे जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट सेवन इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ जीरो जीरो वन कैट और ये और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वन हाइस्ट है और ये भी वन है तो ये येस होना चाहिए जीरो पॉइंट वन और यहाँ पे वन तो ये भी डॉग होना चाहिए यस होना चाहिए जीरो पॉइंट वन ये ये यहाँ हाइस्ट जीरो पॉइंट सेवन है यहाँ वन है इसका मतलब ये नो है तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारा लॉस है बेसिकली वो क्या होगा उसने यहाँ पे गलत कैलकुलेट किया हुआ है ये चीज़ गलत है तो उसे दोबारा रिटेन करना पड़ेगा तो ये कन्फ्यूजन का भी समझ आ गया होगा मैं दोबारा इसको कंक्लूड करता हूँ जो आज के मॉड्यूल में हमने इस स्पेसिफिक मॉड्यूल में देखा हम ये देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट इनशन करनी है यूजिंग डीप लर्निंग फ्रेमवर्क उसके लिए हमने क्या कहा इनपुट है आउटपुट है दरम्यान में डिफरेंट लेयर्स लगी हुई हैं उन लेयर्स के अंदर पहले हमने डिफाइन किया कि जी कन्वोलूशन फंक्शन क्या होते हैं फिर जो बाकी सारे ट्रिट्स एंड बिट्स थे कि जी हमारे पास कन्वोल्यूशन के बाद मैक्स पुलिंग क्या होती है पैडिंग uh, क्या चीज़ होती है लॉस फंक्शन क्या चीज़ होता है प्रोबिलिटी क्या होती है सॉफ्ट मैक्स क्या होता है उन सारी चीज़ों को हमने बड़ा आसान से लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है मैं फिर बताता चाहूँ हमारा मकसद है बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में चीज़ों को एक्सप्लेन करना ताकि लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकें और ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर हों आहस्ता आहिस्ता हम इनकी इन डेप्थ डिटेल में भी जाएंगे मैथमेटिकली भी देखेंगे इनका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे फ़ॉर द टाइमिंग हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम सिंपल कन्सेप्ट दें जो जो बड़े आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकें कि यार डीप लर्निंग से रिलिवेंट कन्सेप्ट कौन से हैं और आप एक दूसरे तक पहुँचा सकें